पहले तो रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम वन टू फोर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासिस एंड चूज द करेक्ट आंसर और राइट तो जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है वी नीड टू कन्वर्ट ऑल दिस डेटा इन टू वेट्स और राइट तो हाँ लेट्स स्टार्ट डूइंग इट सो पहला वाला वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और राइट सो देखो इसको ऐसे कर सकते हो तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का वेट जो होगा अच्छा वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब इज रेफरिंग टू ओ टू ठीक है क्योंकि एटम ऑक्सीजन का नहीं है तो ऑब्वियसली वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ओ टू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ओ टू अच्छा ओ टू का वेट क्या हो जाएगा एक ही सिंगल मॉलिक्यूल है तो प्रेफर्ड यूनिट होगा ए एम यू ठीक है तो इसका वेट हो जाएगा थर्टी टू एम यू अच्छा नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस एम यू इन टू ग्राम्स तो आई डोंट नो बट ये काफ़ी कॉमन है कि वन अपॉन ए म्यू इज बेसिकली वन अपॉन एने ग्राम्स राइट जिसको पता नहीं है वो इसको याद रखे अभी के लिए तो वन ए एम क्या होता है वन अपॉन एन ए ग्राम्स तो आई कैन से थर्टी टू ए एम यू इज थर्टी टू बाई एन ए ग्राम्स इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये पहला वाला हो गया ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन वन एटम ऑफ नाइट्रोजन तो एक सिंगल नाइट्रोजन एटम है उसका वेट हो जाएगा फोर्टीन ए ठीक है तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा फोर्टीन अपॉन एन ए ग्राम्स और राइट अच्छा अभी आई uh, गेस अच्छा थर्ड वाला थर्ड थर्ड वाले में देखो कैसे करेंगे तो यहाँ पर मैं क्लाइंट खींच देता हूँ जस्ट फॉर स्पेस हमें मिल जाए और राइट right. तो थर्ड वाला है वन इंटू टेन रेज टू पार माइनस टेन ग्राम मॉलिक्यूल अच्छा आई थिंक uh, मैंने प्रीवियसली भी कहा है बट दोबारा कह लेता हूँ कि ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम एटम या ग्राम आयन कभी भी ऐसे वर्ड्स लिखे हों तो यू विल कंसिडर देम एज मोल्स तो ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल ग्राम एटम मतलब मोल सो टेन रेज टू पार माइनस टेन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेकिन ध्यान रखना क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल है ना तो टेन रेज टू पार तो मोल्स ऑफ ओ टू तुम्हें दिया गया है 10 रेज टू पावर माइनस टेन मोल्स नाउ यू नीड टू कन्वर्ट दिस इंटू मॉलिक्यूल्स कैसे करेंगे देखो तो uh, या वेट में कन्वर्ट कर लो डायरेक्टली वेट सॉरी वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी टेन रेज टू पावर माइनस टेन मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलर मास मोलर मास क्या होगा इसका थर्टी टू ठीक है तो थर्टी टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस टेन इतना हो जाएगा ग्राम्स में ठीक है अच्छा अब अगला क्या है दिस इज़ द थर्ड वन फोर्थ वन ठीक है ये है तुम्हारा वेट ऑफ कॉपर कॉपर का अच्छा इन्होंने मोल्स दिए हैं अगेन इसका मैं सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ही ले रहा हूँ ठीक है ये हो जाएगा टेन रेज टू पार माइनस टेन इन टू सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ग्राम्स राइट तो देखो अभी हम अप्रॉक्सीमेशन uh, से ही करेंगे अच्छा पहले तो ऑक्सीजन और कॉपर को अगर मैं कंपेसिकली मैं अगर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को कंपेयर करूँ कॉपर इज हैज मोर वेट तो फोर तो बड़ा है एटलीस्ट ये तो क्लियर है कि फोर इज ग्रेटर देन थर्ड ये तो हमें क्लियर है ठीक है अच्छा सेकेंड और सेकेंड को कैसे देखेंगे देखो एन का मतलब क्या होता है एन ए इज़ बेसिकली सिक्स इंटू सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सॉरी ट्वेंटी थ्री सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर ट्वेंटी थ्री और राइट तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका पावर काफी ज्यादा है ठीक है तो ये अगर मैं टू पॉइंट समथिंग भी कर लूँ टू पॉइंट समथिंग तो नाइट्रोजन का वेट अगर मैं थोड़ा सा लिख दूँ तो इट्स गोइंग भी समू पॉइंट समथिंग इंटू टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम्स और दिस इज गोइंग टू बी सिक्स है ना तो फाइव पॉइंट समथिंग लिख देते हैं फाइव पॉइंट समथिंग इंटू टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम्स अब ओके सो आई नो दैट ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है नाइट्रोजन से ओके पहले बोले फर्स्ट इज ऑल्सो हैवियर बेसिकली देन सेकेंड ना वी नीड टू कंपेयर आई गेस एक बार कर लेते हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों तो साइज ज़्यादा होगा ठीक है क्योंकि इनका पावर uh, कम है इसका मतलब सॉरी uh, इसका पावर ज़्यादा है बेसिकली तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएंगी तो फोर्थ फिर थर्ड uh, फिर फर्स्ट और फिर सेकेंड ये हो जाएगा ऑर्डर तो फोर्थ फिर फर्स्ट फिर थर्ड फिर सेकेंड तो ऑप्शन मुझे सी दिख रहा है ठीक है